का जहां है, उर्दू जबां हमारी धरती पर आसमां है, उर्दू जबां हमारी आजादी वतन की ये भी मुजाहिदा है, जज्बों की तर्जमा है उर्दू जबां हमारी। जनाब सदर, मोहतरम उसाद्जा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है उर्दू जबान और नई नस्ल। उर्दू जो कि हमारी कौमी जबान है, हमारी सकाफत की निगेबान है, वो जबान जिसने गालिब, इकबाल और मीर जैसे बड़े शायर पैदा किए, वो मीठी जबान जो बोली जाए तो दिलों में घर कर जाए, वो जबान आजकल कहीं खो सी गई है। जनाब सदर, हमारी नई नस्ल कौमी जबान को पीछे छोड़कर अंग्रेजी जबान को गैर जरूरी अहमियत देती है, जिससे हमारी जबान के मुस्तकबिल के मुनाजिर धुंधला सी गई है। साफ शेरी और वसी जबान पर गोया मगरब के गहरे बादल छा गए हों। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुल्क की आजादी के अलमदार मुल्क की जबान होती है। मेरे प्यारे साथियों, बावकार कौमी तो अपनी जबान पर फख्र करते हैं। जर्मनी में जर्मन, रूस में रूसी और चीन में चीनी बोली जाती है, मगर अफसोस अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो ले ली लेकिन अंग्रेजी के गुलाम रह गए। हमें उर्दू बोलने में फख्र होना चाहिए लेकिन नई नस्ल टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना काबिलियत का मायार समझती है और उर्दू बोलना बाइस शर्म। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अपनी मिट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। जरूरत इस अमर की है कि हमारी नई नस्ल कौमी जबान को अपना फख्र और विरासत समझे और इसको बाइस फख्र समझे। शुक्रिया।